नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफाली सिंह पूरे देशवासियों को आज होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, ढेर सारे रंगों के साथ। हैप्पी होली टू यू। तो आप किस तरह से इस बार सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, फिलहाल तो मैं अभी शूट से आई हूँ बहुत थक के, तो वैसे मैं होली सेलिब्रेट करने के मूड में नहीं हूँ। बिकॉज़ मुझे इस बार बहुत अफसोस है जो अभी हादसा हुआ हमारे देश में इतना बड़ा जवानों के साथ, तो मैं इस बार सेलिब्रेट नहीं करूँगी। और बट शुभकामनाएं ज़रूर दूंगी और बड़ों को प्रणाम मेरी तरफ से, और छोटे जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। आप काफ़ी बिजी रहती हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, बताएंगे? अभी वेब सीरीज शूट कर रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर एक मूवी, हॉरर मूवी शूट करने जा रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल है शूटिंग में मेरा। और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट, कुछ आपके पाइपलाइन में अगर हो तो? पाइपलाइन में मेरी दो मूवीज़ हैं अभी, और शूटिंग तो कंटिन्यू मैं करती रहती हूँ, प्रिंट शूट्स भी मैं बहुत सारे करती हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ मैं कंटिन्यू रखती हूँ रूटीन में हमेशा। तो अभी वेब सीरीज़ कर रही हूँ मैं एक्चुअली। आपको बड़ी मुश्किल से फ़ोन लगता है, अगर लगाएं तो आप उठाती नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से आपने टाइम दिया, तो क्या मीडिया से इतना क्यों दूर रहती हैं? जी ऐसा नहीं है, पहले तो सॉरी उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, शूटिंग में थोड़ा बिजी रहती हूँ मैं, उसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और मीडिया से दूर रहने की बात नहीं है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मैं डेफिनेटली आती हूँ, और मतलब ऑडियंस है तो मैं हूँ ऐसा। दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगी, जो जितने देश के लोग हैं जो होली मनाते हैं? बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हादसा भी हो जाता है होली के दरमियान रंग, और ये तो क्या मतलब कुछ अपील करना चाहेंगी किस तरह से होली खेलें? जी मैं यही कहना चाहूँगी, बिकॉज़ देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि होली जो फेस्टिवल है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कलरफुल है, बहुत रंगों से भरा हुआ फेस्टिवल है ये, और उसको जितनी खूबसूरती से खेला जाए उतना अच्छा है ये। मतलब आप उसमें उसको गंदे तरीके से मत खेलिए, या उसको गंदे तरीके से होली को क्रिएट मत करिए, बिकॉज़ जितना खूबसूरत ये है उतना ही उसको खूबसूरती से खेला जाए। लोग क्या करते हैं, होली को बहुत गंदे तरीके से खेलते हैं, पानी फेंक देना किसी के ऊपर, या किसी के आँख में, कान में, या कहीं पर भी कुछ भी रंगों को डाल देना, तो उससे इंसान को नुकसान पहुँचता है। जैसे छोटे बच्चे ही हैं, उनको समझ नहीं है, तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी थोड़ा सा संभल के खेलिए, बिकॉज उसमें अगर कुछ भी आपका आजकल के जो रंग हैं किसी किसी में कांच के टुकड़े मिले होते हैं, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आपके चेहरे के लिए, आपके स्किन के लिए, और वैसे भी मुझे तो थोड़ा सा एलर्जी है तो मैं बहुत दूर रहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब प्ले करना चाहूँगी, जैसा बहुत डिसेंट तरीके में खेलना पसंद करती हूँ, और मैं भी ये चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हो गए या बड़े हो गए, ये बड़ा ही खूबसूरत सा त्यौहार है, और इसको बड़ी खूबसूरती से मनाया जाए, मतलब इसको डिसेंट तरीके से खेला जाए, इसको गंदे तरीके से ना खेला जाए, बड़ा संभल के खेलें, किसी की आँख में रंग ना जाए या कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, मैं यही सलाह देना चाहूँगी। और बड़े लोग जो होली को, देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, रोड पे पड़े होते हैं, वो चीज़ मैं थोड़ा सा बोलूँगी अवॉइड करिए प्लीज़, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं है, सबके लिए ही अच्छी बात नहीं है ये। तो पिछली बार हमने देखा था कि पिछली बार की जो आपने होली मनाई थी, गरीब बच्चों को साथ में लिया था, उनको खाना और कपड़ों के जरिए आपने होली मनाई थी जी, तो इस बार क्या कुछ नया करने जा रही हैं? आपका तरीका एक अलग है होली मनाने का, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि आपने गरीब बच्चों के साथ में होली सेलिब्रेट की थी जी, इस बार का क्या मतलब है, कुछ फिर से यूनिक कर, मतलब कुछ वही सेम मनाएंगे ही नहीं? जी मैं एक्चुअली बनाने के मूड में थी, और मेरा ये प्लान था कि या तो मैं वृद्धा आश्रम में मनाऊंगी, या फिर मैं छोटे बच्चों के जो अनाथ आश्रम में होली मनाने के लिए जाने वाली थी, काफ़ी सारी स्वीट्स लेके और कलर लेके, गुजिया लेके, जो होली के जो मतलब जो चीज़ें हैं उनको लेके, बच्चों के लिए कुछ पिचकारियाँ लेके मैं जाने वाली थी, बट जो हादसा इतना बड़ा देश के साथ हो गया उसके बाद थोड़ा सा मेरा ऐसा मन नहीं है कि मैं होली सेलिब्रेट करूँ इस बार। लेकिन अगर फिर भी मेरा कुछ ऐसा मन रहा या मुझे कहीं पे भी सेलिब्रेट करना रहा, तो मैं डेफिनेटली इन जगहों में से किसी एक जगह पे सेलिब्रेट करूँगी।
इस हमले को, पुलवामा हमले को किस तरह से देखती हैं आप? बहुत बड़ा हादसा था ये, देश पूरा शोक में डूब गया था, तो किस तरह से देखती हैं आप ये आतंकी हमला? देखिए, मैं पहली बात तो अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि ये सब कैसे हुआ, और मेरे को बहुत अफसोस है इस चीज़ का, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक भी ये जो भी हो रहा है, पॉलिटिकल चीज़ें इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व हैं, और मैं बोलती हूँ प्लीज़ पॉलिटिक्स को बहुत दूर रखते हुए अपने देश के बारे में सोचिए और जवानों के बारे में सोचिए जो हमारे देश के लिए खड़े होते हैं, और हमारे देश के बारे में सोच के वो बेचारे अपने परिवार से दूर रह के और इतने बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, हर चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइफ में, और उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए प्लीज़, और अपने पॉलिटिक्स को बहुत दूर रखिए इन सब चीज़ों से, मेरा यही कहना है। अगर आपको अभी मौका मिला जैसे उधर साइड में जाने का है, जैसे महाराष्ट्र में जी परिवारों से मिलने का, जिनके लोग शहीद हुए हैं जी आत्मघाती हमले में, तो क्या जाएंगे आप अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल लेंगे? ऑफकोर्स मैं जाना चाहूँगी। मुझे अगर ये मालूम चला कि जो भी लोग शहीद हुए हैं, मैं उनके परिवार वालों से ज़रूर मिलना चाहूँगी, अफसोस जाहिर करना चाहूँगी, और मैं उनको हेड्स ऑफ कहती हूँ, उनको सलूट करती हूँ कि उनके पास इतना बड़ा दिल, उनके पास इतना बड़ा जिगर है कि वो अपने बच्चों को उन्होंने वहाँ पे भेजा, और ये हमारी बदनसीबी है और हमारा बदकिस्मती है कि वो बेचारे शहीद हो गए और हमारे देश के लिए शहीद हो गए, तो मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का, और मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी उन लोगों से, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे विचार के लोग होंगे जिन्होंने मतलब अपने फैमिली को इतना दिल, बड़ा दिल करके आर्मी में, एयरफोर्स में भेजा है जो लोगों ने। चलते चलते अपने दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि देखिए, मेरे फिर से मैं एक बार सबको हैप्पी होली कहना चाहूँगी, और बहुत संभल के होली खेलिए, और बड़ा ही अच्छा त्यौहार है, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।